टट्टी दानी की पेशाब टट्टी टट्टी पेशाब। तो आगे तुम लोग, यार इस दुनिया में कई सारी खराब चीजें जैसे कि कोकिला मोदी की आवाज, राहुल गांधी का भाषण या मेरे पालतू कुत्ते की एक्टिंग, मगर इन सब से भी जो ऊपर आती है खराब चीजों की लिस्ट में वो है टिकटॉक की क्रिंज वीडियोस। नहीं मतलब इन वीडियोस के अंदर इतना क्रिंज भरा हुआ है जिसे देखने के बाद तो क्रिंज भी बोल दे। चेगी जान लेगा क्या? नहीं मानते तो देखो। कौन सी बीमारी है यार तुम लोग को? क्या हो गया भाई तेरे को? बैकलॉग लग गया क्या? अरे मतलब अपनी सास से तड़पी भी बहू की तरह शक्ल बना रहा है यार तू? इतना भी क्या दुख है यार तेरी जिंदगी में? तो दोस्तों इनको तो प्यार जताना ही पड़ेगा क्योंकि इन्हें प्यार की सख्त जरूरत है। तो चलो ना, लेट्स स्प्रेड सम लव। वाह मेरे आगरा के पागल खाने से भागे हो पागलो, क्या खूब नृत्य दिखा रहे हो। और अंकल जी आप तो साक्षात एग्जांपल हो उन बुड्ढों का जो कि शादी में दो पैक लगाने के बाद गाना बंद होने के बाद भी नाचते हैं। नहीं मतलब शक्ल देख रहे हो इनकी, पूरा प्लान बना के आए हैं 3-4 साल के बच्चों को डराने का। बहुत हार तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है बस इतना ही। हाँ यही नशा मुझे भी करना है साला। आज ही मैं अपने ड्रग डीलर को कॉल करूंगा और बोलूंगा यही नशा मुझे किसी भी कीमत पे करना है। मतलब लौंडा इतने नशे में है कि मार्च के महीने में स्वेटर पहन के खड़ा है बच्चा। अरे भाई जुल्फे पिघल जाएगी यार तेरी, जिस मौसम में लोग खाते कच्ची कैरी उस मौसम में भाई साहब खा रहे ब्लूबेरी। बहुत हार्ड। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है तुम लोगों में। नहीं मतलब लिपसिंग के नाम पे तो कोड़े बरसा ही रहा है भाई, मगर साथ ही साथ गाना जा रहा है दिल्ली और भाई की उंगलियां जा रही है देहरादून। तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक। और यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस देश को हो क्या रहा है। नहीं मतलब ये दो बंदियां इन्होंने सड़ा सा टिकटॉक बनाया, जाए इनके गंदे लिपसिंग को तो लात मारो, मगर इनके सारे के सारे टिकटॉक वीडियोस में स्टेप्स तक सेम होते हैं यार। और ये दोनों मैडम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए, सोचो किनकी वजह से। और ये लोग इन्फ्लुएंसर बन गए उसका कुछ नहीं, चलो होता है मरने दो, मगर अपने साथ में जो बहुत हार्ड की बीमारी लेके आए ना उसको देखने के बाद पहले खंजर तुम अपने दिल में डालोगे और फिर मेरा गला घोटने आओगे। नहीं मानते तो देखो। बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है बस इतना ही बोलो। चलो इसको तो फिर भी माना, मगर भाई तूने कौन सा मेंढक मार के खाया? नहीं मतलब इतना जहर साला, इसको देख के तो मोगैम्बो तक खुश ना हो। मोगैम्बो खुश नहीं हुआ। और जब टिकटॉक की क्रिंज की बात हो ही रही है तो हाउ कैन वी फॉरगेट तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां, चलिए ना जरा वहां पर भी मुंह मार लेते हैं। रहा है भोसड़ी वाले, जेम्स के पैकेट के साथ फ्री गिफ्ट नहीं मिला तुझे? दूध में कॉम्प्लेन नहीं डाला मम्मी ने? और ये पेंडुलम की तरह गर्दन क्यों हिला रहा है? भैंचो झूला है तू साले, रो तो ऐसा रहा है जैसे जुलाब हो गया हो, हद दे यार। और फिर ये अपने आप को टिकटॉक इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। कौन है ये, कहां से आते हैं? टिकटॉक से आते हैं भाई, और कहाँ से आएंगे? टिकटॉक के अंदर एक डस्टबिन है जहाँ पर सारा का सारा कचरा इकट्ठा होता है और वहीं से आते हैं यार ये लोग। और जब मैंने कचरे की बात करी दी है तो तुम इस दुनिया का सबसे जहरीला डांस भी देख लो। एक ही सवाल है, क्या ये और क्यों है ये? हाँ पता है मुझे, 2 सवाल हो गए हैं, मगर क्यों है यार ये? सालो तुम्हारे खून में कोकिन दौड़ता है क्या? आत्मा मान कैसे जाती है तुम्हारी? कर कैसे लेते हो ये? नहीं मतलब मैं तो ये तक नहीं डिसाइड कर पा रहा कि ये चीज है क्या, आदमी है, औरत है या फिर राहुल गांधी। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये झाटू मॉन है, सारे पोकेमॉन का मिक्सचर। पिकाचू जैसी लचक, बल्बासोर जैसी शक्ल, चार लिजार्ड जैसा बदन, और ये जो आखिर में जिसने सर्कल लगाया ना जहरीला सा,
हाँ यही इसको देखने के बाद तो बेबलेट वाले भी माफी मांग ले। ऐसा पोकेमोन तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेगा। अगर मैं एलेक्स होता तो मैंने इसको पकड़ लिया होता। अगर मैं विजय माल्या होता तो मैंने इसको चुरा लिया होता। अगर मैं सोनप्री होता, नहीं सोनप्री तो लड़की है ना, मैं सोनप्री नहीं हो सकता ना, शक्तिमान। अगर मैं शक्तिमान होता तो मैंने इसको छत पे ले जाकर धक्का मार दिया होता, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है। जाटमोन देख रहे हो मच्छरों, तुम्हें भगाने के लिए इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। नहीं मतलब तुम तो इन्हें काट के इनका जहरीला खून पी के मर जाते हो, मगर बाद में हमें ये सब कुछ सहना पड़ता है। और तुमसे बचने के लिए ये लोग अपने कान पे मोर्टिन लगा देते हैं, हमारा जीना आराम करते हैं ये लोग। Not what it looks like. अबे तू उसकी अखियों का छोड़, पहले ये बता तूने अपनी आंखों में क्या डाल दिया। अबे लाल मिर्च घुसेड़ दी क्या टिकटॉक के पीछे। और ये ऐसे क्या आए भर रहा है तू भाई, करंट लग रहा है तुझे, मुर्गी के दौरे पड़ रहे हैं तुझे। ए भगवान कोई बचाओ यार इसे, डॉक्टर वॉक्टर को बुलाओ, बड़ी नाजुक हालत में यार ये। नहीं मतलब तुम इमेजिन करो कितना ऑकवर्ड होगा जब ये भाई साहब ऐसे होठों पे लिपस्टिक, छाती पे वैसलीन और आंखों में लाल मिर्च घुसेड़ के अपनी शर्ट को पूरा खोल के नंगा बदन दिखाते हुए रो रो के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो, और इसके घरवाले इसके कमरे में गलती से आ जाए, बता रहा हूँ पहले तो इनके पिताजी दुखी होंगे और इसकी कुटाई के वक्त ये भाई साहब दुखी होंगे। मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह तय करने वाली आप होती कौन है? एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानती? इतनी भी बुद्धि नहीं है? देख रहे हो, अगर बाहुबली 3G में बनी होती तो कुछ ऐसी दिखती। और यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, ये लड़का होते हुए लड़कियों वाले डायलॉग को जोश में बोलने का कौन सा स्वैग होता है। मैं बता रहा हूँ इसका बाप आज तक कंफ्यूज होगा कि ये मेरी औलाद है या फिर कोई शत्रुमुख गोद देके गया है मैं। मतलब टिकटॉक के लिए भाई साहब टार्जन बन के घूम रहे हैं। सॉरी तुम पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब, पानी जैसा है हमारा खून है। धिक्कार है हम पर, कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहेंगे। 5 जनवरी और 9 फरवरी को बूथ पर जाएं और बच्चे को दवा पिलाएं। 5 साल तक के बच्चों को 9 फरवरी के दिन पोलियो बूथ पर जरूर लाएं। प्यार से रहते तो स्वभाव पूरा शांत, एड़े साली कर देगा तो सीधा रजनीकांत। लड़ा रसकला मैं गांड ना फुला, मां चोद देंगे तुम्हारे। हरे 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 टुनु 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 टुनु, हम तो दिल से हरे। बोलू केसरिया तू बोल केसरिया, जुबान केसरिया जुबान केसरिया, जुबान है हमारी जुबान केसरी। विमल बोलो जुबान केसरी। अब यार ऐसा नहीं कि टिकटॉक के ऊपर बिल्कुल यही चीजें होती है, मतलब टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी होती है यार, जिनको देखने के बाद तुम्हें बहुत सारा मजा आएगा। बट ये लोग नहीं बनाते, वो थोड़े और अलग लोग बनाते हैं, बट दे मेक ऑसम वीडियोस। मतलब ऐसा है कि टिकटॉक इसे डोप एप्लीकेशन जहाँ पर आप छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हो और फेम कमा सकते हो। तो जाओ यार आज ही टिकटॉक डाउनलोड करो और अपनी क्रिएटिविटी दिखा के ऑसम और अमेजिंग वीडियोस बनाओ और देखो। डाउनलोड टिकटॉक राइट नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस यार आजकल इतना ही, वीडियो मजाक था तो उसको मजाक में लेना। मैं किसी भी तरीके से टिकटॉक पे भयंकर वीडियोस बनाने वाले लोगों को हेट नहीं करता, बट पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता, और उनको देख के मुझे गुस्सा आता है
और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपना गुस्सा। आई डोंट नो हाउ आई एम कंट्रोलिंग, बट गुस्सा आता है और उनके वीडियोस देख के उनके पेट में चाकू डालने का मन करता है, बट आई डोंट हेट देम। एंड अगर वो मुझे सामने मिल जाए तो मैं कहूंगा प्लीज प्लीज डोंट टॉर्चर मी एंड डोंट टॉर्चर द वर्ल्ड, प्लीज डाई सून एज पॉसिबल, प्लीज डाई। बट मैं उन्हें हेट नहीं करता, तो प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं उन्हें हेट करता हूँ, बस पसंद नहीं करता है ना। और अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया, लाइक हंसी आई, तो किसका इंतजार कर रहे हो यार, लाइक कर दो वीडियो को। अगर तुम वीडियो को लाइक करोगे ना तो इट विल मोटिवेट मी, और अगर अपन मोटिवेट होगा तो और अच्छी वीडियोस लाएगा, तो यू विल बी हैप्पी एंड आई विल बी हैप्पी। तो प्लीज लाइक करो, है ना। यू डोंट लव मी, लाइक द वीडियो। और कमेंट में तो तुम वैसे भी लिखने वाले हो कमेंट आर इज फैंटास्टिक, तो वो तो लिख ही देना, और साथ में ये भी लिख देना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी लिख देना कि तुम अपने पड़ोस वाले लोगों को कितना हेट करते हो, बिकॉज मैं तो अपने पड़ोस वाले लोगों को बहुत हेट करता हूं। साथ ही साथ ये भी लिख देना कि मेरे पालतू कुत्ते को कितना हेट करते हो, बिकॉज मैं उसको भी हेट करता हूं। साथ ही साथ ये भी लिख देना कि तुम्हें राहुल गांधी का भाषण कैसा लगता है, बिकॉज मैं उसको भी हेट करता हूं। तो लिखो कमेंट के अंदर, क्यों करता हूं मैं ऐसा, कमेंट बिलो। इस वीडियो को शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो, बिकॉज मैं वहां पर बहुत सारे बढ़िया मीम्स लेके आता हूं जो कि तुम यहां पर नहीं देखते। यू नो बहुत ही भयंकर मीम्स आते हैं वहां पर जो कि तुम यहां पर नहीं देखते। मैंने दो बार बोल दिया, इसका मतलब बहुत ही भयंकर मीम्स आते होंगे, नहीं मानते तो देखो यार। Why does Indians make such badass film? Badass film? Badass film? लगाना अच्छा मीम। ऐसे बहुत सारे मीम्स आते हैं वहां पर जो यहाँ पर नहीं आते, तो इसलिए फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @comment/raj। अगर तुम इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं हो तो फेसबुक पे लाइक कर, अपना वहां पर भी पेज है, डोंट वरी वी हैव एवरीथिंग रेडी। सो प्लीज लाइक फेसबुक पे, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, बट कर दो प्लीज फास्ट, आई लव यू, है ना, कर दो। और अगर तुम लोग इस चैनल के ऊपर नए और तुम्हें वीडियो देख के मजा आया तो किसका इंतजार कर रहे हो, नीचे एक लाल रंग का बटन उसके बाकी काला कर दो, पार्ट बन जाओ कॉमन स्क्वाड का, बिकॉज कॉमन स्क्वाड इज द लेटेस्ट फैमिली ऑन द इंटरनेट। तो यार कर दो सब्सक्राइब और पार्ट बन जाओ कॉमन स्क्वाड का, बिकॉज मिलके हम लोग आग लगा देंगे ब्रो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मुझे पता नहीं कब आएगी क्योंकि अपना टाइम फिक्स नहीं होता, बट आएगी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार, यू आर सम पीपल।